इनके लब रंगी की मिठावर के जिसने। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाम और लोकेशन का तारुफ तो आपने खुद करा दिया, जवाब दे देता हूँ। कुछ सवाल हैं और कुछ आपके शक हैं जहन में। सबसे पहले तो ये कि नबी हैं खिज़र अलैहिस्सलाम या वली हैं, इसमें कन्फ्यूज़न है आपको, तो इसमें उलमा का इख्तलाफ है। पुराने उलमा का ही इख्तलाफ चलता आ रहा है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं या वली हैं, मगर जमहूर का मज़हब ये है और सही भी यही है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ये नबी हैं। आपका दूसरा एतराज़ ये कि अगर नबी हैं, लोग कहते हैं कि अब तक ज़िंदा हैं, तो ये अब तक ज़िंदा कैसे, जबकि कुरान पाक में है कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। तो इसका जवाब तो बिल्कुल सीधा है कि कुरान पाक में ये तो है हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन आपके सामने ही चखना है, आपकी नॉलेज में होना चाहिए, ये तो नहीं है। अब चखना है जब वक्त होगा तब उनकी वफ़ात होगी। अब ये ज़रूरी तो नहीं ना कि सारे अंबिया हमसे पहले वफ़ात पा चुके हों, ऐसा तो नहीं है। अब ऐसे तो कुरान में है कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और मोदी भी अब तक ज़िंदा है, तो ये कैसे? तो ज़ाहिर है कि जब वक्त आएगा वफ़ात होगी उस वक्त, इसमें तो एतराज़ ही समझ नहीं आया। अच्छा, अब रहा ये कि बाज़ लोगों में ये कन्फ्यूज़न होती है कि हमारा अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम वो ज़िंदा होते हैं, तो फिर ख़ास हज़रत खिज़र का ज़िक्र क्यों किया जाता है कि वो हयात हैं, वो हयात हैं, जबकि हमारा अकीदा है कि सारे नबी ज़िंदा हैं। ये भी लोगों में कन्फ्यूज़न होती है, शायद ये कन्फ्यूज़न आपके जहन में भी हो कि जब सब नबी ज़िंदा है तो ख़ास पर्टिकुलर किसी एक का नाम लेकर क्यों कोट किया जाता है। इसकी वजह असल में यही है कि जो आयत आपने पढ़ी कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है, बाकी अम्बिया ने इस आयत के तहत एक आन के लिए मौत का मज़ा चख लिया, वापस उनको फिर हयात दे दी गई, लेकिन चार नबी ऐसे हैं, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी उसमें शामिल हैं, कि जिनको अभी एक लम्हे के लिए भी वफ़ात नहीं आई है। इसीलिए ख़ास इन चार का जिक्र होता है, जिसमें से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़्यादा मारूफ हैं लोगों में, तो इसलिए वो नाम ज़्यादा याद रहता है। ये चार नबी में से दो आसमानों पर हैं और दो ज़मीन पर, जो अभी ज़िंदा हैं। ज़िंदा से मुराद ये कि लम्हे भर भी इनको अभी वफ़ात नहीं आई है, ठीक है। हालांकि ज़िंदा और भी नबी हैं, लेकिन उनको लम्हे भर के लिए वफ़ात आ गई, वफ़ात आने के बाद उनको वापस, यानी ये समझे कि उनकी रूह कब्ज़ की गई फिर वापस उनको अता कर दी गई, ठीक है। तो इस तरह कुरान की आयत भी सच्ची हो गई, वापस उनकी ज़िंदगी सच्ची हुई, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वो हदीस भी सच्ची हो गई कि फरमाया कि सारे नबी जो हैं अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। और इसकी दलील बहुत मशहूर हदीस, बाज़ मरतबा आपने बहुत मरतबा उलमा सुना भी होगा, मेराज की रात जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम गए तो हज़रत मूसा को और दीगर अम्बिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम नमाज वगैरह भी उन्होंने पढ़ी, तो अम्बिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं, बाकायदा नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाँ, उनको लम्हे भर के लिए उनकी वफ़ात, यानी उनको कहें कि लम्हा भर के लिए उनको मौत आई और फिर उनको ज़िंदगी दे दी गई, इतना फ़र्क है कि इन चारों को अभी तक वफ़ात नहीं आई, तो इसलिए इनको कोट करके स्पेशल कहा जाता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो हैं वो ज़िंदा हैं। अब दो ज़मीन पर हैं, जिसमें से एक तो यही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है और एक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, ये दो नबी ज़मीन पर हैं जो अभी ज़िंदा हैं। और इसी तरह दो हैं वो आसमानों पर हैं, जिसमें से एक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो लोग जानते ही हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि उनको आसमानों की तरफ उठाया गया, और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक्य कभी दोबारा मौका पड़ा इंशाअल्लाह ताला तो मैं जो है वो बयान कर दूंगा। बाकी मोतबर आलिम दीन या किसी मोतबर यूट्यूब चैनल से आप हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक्य सुन सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मामलात हुए कि वो आसमानों पर हैं अभी भी और उनको अभी मौत नहीं आई है। तो ये चार नबी हैं, दो ज़मीन दो आसमान पे, और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी उन्हीं में से हैं। तो ज़ाहिर है कि जब वक्त होगा अब उनको वफ़ात दी जाएगी, तो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मौत का मज़ा चखना है। अब ज़िंदगी कितनी रखी है तो अल्लाह तबारक व तआला जानता है, अब चाहे किसी की वफ़ात ज़िंदगी 5,000 साल रखी हो तो इसमें क्या दुश्वारी है। तो आयत तो अपनी जगह बिल्कुल अलग चीज़ है कि इसमें तो इसको कोई मतलब टकराव है ही नहीं कि मौत का मज़ा चखना है।
तो जब वक्त आएगा जब हो जाएगा। अच्छा, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने भी फतावा रज़विया शरीफ में यही मतलब इख्तियार किया है कि वो नबी हैं, और उनका मसलक भी आला हज़रत का यही है कि वो नबी हैं। हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, ये दोनों हर साल हज के मौके पर हज मुकम्मल करने के बाद आबे जमजम पीते हैं और फिर अपनी अपनी राहों पर रुखसत हो जाते हैं, और यही आबे जमजम उनको पूरे साल किफ़ायत करता है खाने पानी के बदले। यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल हज पर आते हैं, हज करते हैं, आबे जमजम पीते हैं, फिर रुखसत हो जाते हैं। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो उससे पहले एक चीज़ मैं वाज़े भी करना चाहूँगा ताकि आवाम को मालूम भी चले और जो कन्फ्यूज़न जहन में हो या इन फ्यूचर हो जाए तो उसका जवाब आपको मिल जाए कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वो एक नबी का नाम भी है। यानी नाम कहें, लकब कहें, और इसी तरीके से जो एक खिज़र ना एक रैंक भी है विलायत में, यानी एक दर्जा भी है विलायत में कि उस दर्जे पर पहुँचने वाले वलियों को भी खिज़र कह दिया जाता है। तो बाज़ मरतबा जहाँ अपने सूफ़िज़म की किताबों में, तसव्वुफ़ की किताबों में जहाँ भी पढ़ा हो कि खिज़र अलैहिस्सलाम यानी खिज़र से मुलाकात का वाक़या, तो उसमें बाज़ मरतबा वाक़यात जो होते हैं वो वली से मुलाकात के भी होते हैं, यानी जो खिज़र की रैंक पर होते हैं। इसे ऐसा समझें कि जो प्रिंसिपल होता है वो एक रैंक के प्रिंसिपल होना, अब वो प्रिंसिपल जो है वो जैद भी हो सकता है, उमर भी हो सकता है, बकर भी हो सकता है, तो जो भी शख्स उस रैंक पर पहुँचेगा उसे प्रिंसिपल भी कहा जाएगा और उसका ज़ाती नाम भी एक अलग होगा। यानी जैद अगर प्रिंसिपल है तो वो एक इंसान होने के नाते एक जैद भी है, लेकिन वो एक रैंक पे पोजीशन पे है तो वो एक प्रिंसिपल भी है। तो इसी तरीके से एक वली है तो वो वली तो है लेकिन एक रैंक भी है, जिस तरह गौसियत एक रैंक है कि कोई भी यानी जो उस मर्तबे पे पहुंचता है गौस के, तो वली को भी गौस बोला जाता है। ये भी नाम नहीं है, अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला का नाम नहीं है, ये भी एक मर्तबा है उनका गौस का। तो इसी तरीके से अब्दाल का एक रैंक है, कुछ वली अब्दाल पे मर्तबे पे होते हैं, तो इसी तरह खिज़र भी एक रैंक है। तो मैं इसलिए ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बाज़ किताबों में जैसा कोई वाक्य ऐसा पढ़ ले कि मुरीद ने कहा कि जब तक हमारे पीर खिज़र हयात थे तो हमें खुश हुई, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद हमें बहुत दुख हुआ। तो आप सोचें कि खिज़र की वफ़ात के बाद दुख हुआ, मतलब वफ़ात कैसे हुई, इनकी तो वफ़ात हुई नहीं। तो जहाँ इस तरीके का वाक्य मिले तो वहाँ विलायत वली होना यानी एक रैंक पे उस वली का होना क्या जिक्र होगा, ना कि नबी का जिक्र होगा वहाँ पे। तो ऐसे वाक़यात बहुत सारे मिलते हैं कि जिसमें आदमी कंफ्यूज होता है कि खिज़र वफ़ात पा गए, लोग कहते हैं कि खिज़र ज़िंदा हैं, तो इससे भी आप लोग थोड़ा यानी इस कंफ्यूजन थोड़ा दूर रहें। दूसरा ये कि फिर ये हर साल आते हैं हज के मौके पर आबे जमजम पी के वापस, और मुसलमानों की मदद भी करते हैं, यानी समुद्रों में, सहराओं में रास्ता भूल जाने वाले जो लोग होते हैं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी हुई कुदरत व ताकत से उनकी मदद भी करते हैं, और बाकी भी आम मुसलमानों की मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम अंबिया ज़िंदा हैं, लेकिन चार का जिक्र ख़ास इसलिए किया जाता है, और हज़रत खिज़र भी जो हैं वो नबी हैं। अच्छा, अब इनसे मुलाकात क्या है, नबी से मुलाकात इनसे पॉसिबल है यानी ये आपके जहन में होगा, तो बिल्कुल मुलाकात पॉसिबल है यानी मुमकिन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये नामुमकिन या मुहाल में से हो। जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनसे मुलाकात और उनकी ज़ियारत करना ख्वाब में भी मुमकिन है और बेदारी में भी मुमकिन है, और लोगों ने करीबी है और लोगों की मदद भी फरमाते हैं वो। बाज़ मरतबा मदद के बाद बता देते हैं कि मैं खिज़र हूँ, बाज़ मरतबा नहीं बताते, बाद में कभी पता चलता है ख्वाब के ज़रिए या किसी और वली या कामिल के ज़रिए कि आपकी जो फ़लाँ ने मदद की थी वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो वाक़यात मिलते हैं कि जहाँ खिज़र का जिक्र होता है तो वहाँ विलायत वाला मनसब का भी जिक्र हो सकता है किसी वली का, और नबी का भी हो सकता है। तो इसको आप थोड़ा जहन में रखें, बाकी मुलाकात मुमकिन है और वो नबी हैं, और जब वफ़ात का वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला एक लम्हे के लिए आयत क्योंकि कुरान पाक की तमाम सच्ची है, तो उसके मुताबिक एक लम्हे के लिए रूह कब्ज़ की जाएगी, वापस अता कर दी जाएगी, तो वो बात सच्ची भी हो जाएगी और नबी की हयात भी बाद में बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे आज की हयात, और उनको सारे मर्तबे उनके बिल्कुल वैसे ही होते हैं। हम यानी हम जिस तरह वफ़ात पाते हैं, अम्बिया की वफ़ात हमारी तरह नहीं है कि हम उठने पर बाद में कादिर नहीं होते, हमारी तरह नहीं है, उनके मर्तबे में फ़र्क नहीं आता। इसलिए अम्बिया भी ज़िंदा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तो फिर वैसे ही
अभी लम्हे भर भी उन्होंने इस आयत के तहत मौत का मज़ा नहीं चखा तो फिर वो भी ज़िंदा। तो मुमकिन है कि आपके सारे सवालात जो आपने पूछे थे वो इसमें कवर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई शक शुबा हो तो आप दोबारा से सवाल भेज दें। पुरनवार।